हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और पैटर्न, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज़ जैकेट में डाल सकते हैं, शॉल मफलर काफ़ी कुछ बना सकते हैं इस पैटर्न से। और देखिए, यहाँ पे ये बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है, सिंपल बिल्कुल सादा, और फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये इस तरह से। जब आप इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें इसके मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस बन करना है, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ फंदे लिए हुए हैं, ये देखिए, कुछ फंदे डाल के मैंने एक रो सिंपल बनाई हुई है। देखिए, 4 प्लाई वूल है, नॉर्मल वूल है, और 10 नंबर की नीडल है मेरे पास, ये देखिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहला फंदा तो हमें एज स्टिच इस तरह से उतारना है, ठीक है? नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए ये जो 2 फंदे हैं, इसमें से जो सेकंड वाला फंदा है, ये वाला, इसको हमें पीछे से देखिए इस तरह से लेना है, ठीक है? और इसको हमें इस तरह से इस पर लेना है और इसको ट्विस्ट कर देना है, और इस वाले को हमें सीधा बुनना है और इस वाले को हमें स्किप कर लेना है, ठीक है? फिर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, जस्ट 2 रोज का डिज़ाइन है ये। फिर से हमें वही करना है, देखिए पीछे से इस वाले फंदे को हमें इसमें लेना है और इसको आगे लाना है, इसको पीछे लाना है, ये देखिए इस तरह से, और इसको ट्विस्ट कर लेना है। इस वाले को हम बुन लेंगे और इसे हम इस तरह से स्किप कर लेंगे, 4 फंदे सीधे, 3 4। नेक्स्ट हमें फिर से वही करना है, ये देखिए इस फंदे को इस तरह से लेना है, इसको इस तरह से लेना है, इस वाले फंदे को हमें इस तरह से बुनना है और इसे स्किप करना है, ठीक है? फिर 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ सेकंड रो पे आ गए। अब सेकंड रो देख लिए किस तरह से करनी है, एक फंदा स्किप करना है, उसके बाद पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। जो फंदा हमने स्किप किया था उसे भी हमें उल्टा बुनना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 2 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये फंदा हमारा तिरछा चल रहा है इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लाइनिंग है इस तरह से तिरछी बन के आ रही है। अब देखिए, इसी तरह से हमें सेम रिपीट करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है, देख लीजिए इसमें करना क्या है। देखिए, एक फंदा स्किप करना है, पहले ये 2 फंदे हमने यहाँ पर इस तरह से लिए थे, अब हमें यहाँ पर एक फंदा बुनना है, ये वाला। अब जस्ट इस वाले फंदे के साइड इसे ट्विस्ट करना है, देखिए इस साइड, ठीक है? और इसे स्किप करना है। अब फिर फंदे बुनने, 4 1 2 3 4, ये देखिए। अब ये जो हमारा तिरछा वाला फंदा है, जस्ट इसके इस साइड इसको लाना है हमें और इसको ट्विस्ट कर देना है, इस वाले को सीधा बुनना है, इसको स्किप कर देना है, ठीक है? फिर 4 फंदे, 1 2 3 4, अब जस्ट इसको यहाँ पे इस तरह से लाना है, इसको ट्विस्ट कर देना है, इसको स्किप कर लेना है, 1 2, और लास्ट में ये हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बैक साइड आ जाएंगे। पूरी रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है।
एक फंदा स्किप करना है, पूरी रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए फोर रोज कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से ये फली चलती जाएगी, ये वाली जो फली है इस तरह से तिरछी जाएगी जिस तरह से मैंने ये सिलाई रखी हुई है। जस्ट ये जो फली जहाँ है, फली वाला फंदा, इसके जस्ट पहले बाद वाला फंदे को हमें ट्विस्ट करना है। देखिए किस तरह से, फिर से देखिए स्किप करना है एक फंदा, वन टू, ये देखिए फली से पहले वाला, पहले हमने दो फंदे स्किप करने के बाद ही फली बनाई ट्विस्ट किया था, फिर हमने एक फंदा बुन के ट्विस्ट किया, अब हम दो फंदा बुन के ट्विस्ट कर रहे हैं पीछे से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, वन टू थ्री फोर, चार फंदे बुने। अब फिर से हम ट्विस्ट करेंगे कि हमारा फली वाला फंदा है। को स्किप कर लेंगे, ठीक है, फिर चार फंदे बनेंगे, वन टू थ्री फोर, इसको स्किप करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट में। ये देखिए इस तरह से उल्टी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टी बना लेंगे। देखिए इस तरह से इस रो को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से बन के आ रहा है पैटर्न हमारा। फिर से ये देखिए इस तरह से फिर ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से बुनेंगे, स्किप कर लेंगे, फिर चार फंदे, वन टू थ्री फोर, फिर ट्विस्ट करेंगे। वैसे तो दो सिलाई का ही पैटर्न है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि ये फली जो ख़त्म होती है और नई फली हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वन टू थ्री फोर, ये देखिए यहाँ पे ये फली, इसको हम ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए जैसे ये फली यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गई, ठीक है, ट्विस्ट करने के लिए फंदे ख़त्म हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चार से ज़्यादा फंदे हुए, तो हमने यहाँ से नई स्टार्ट की और यहाँ पे हमने ख़त्म की। इसी तरह से हम करते जाएंगे। अब देखिए बैक साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से फ्रंट साइड आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न बनके तैयार हो रहा है। वन टू थ्री फोर, देखिए इस तरह से, फिर से ट्विस्ट करेंगे इसे। और अब देखिए लास्ट में मेरे पास दो रह गए, इसे भी हम ट्विस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इसको
स्किप कर लेंगे, उल्टी रो पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से आ गए अभी हम। अब देखिए यहाँ पे ये फली हमारी ख़त्म हो गई, अब हम यहाँ से एक नई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हम फंदा स्किप कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे फली ट्विस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 देखिए 4, ठीक है। यहाँ पे हमने फली बनाई, फिर से वही करेंगे। वन टू थ्री फोर, फिर से ट्विस्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर, ठीक है। और ये 5, पूरी रो इसे उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड से। देखिए फ्रंट साइड आ गया, एक बार और बताऊंगी बस। देखिए इस तरह से स्किप करेंगे फिर इसको, ये देखिए यहाँ पे ये फली है हमने जो बनाई है नई स्टार्ट की है, इसको फिर से ट्विस्ट कर लेंगे। इसी तरह से ये लाइंस बनती जाएंगी और घटती जाएंगी, बंद होती जाएंगी। ये देखिए ये देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी हिट कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। और आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।